वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के यूनिट सेकंड के बारे में। अपनी लास्ट की वीडियो में हमने यूनिट सेकंड के टॉपिक हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में बात किया था। हमने ये जाना था कि ड्रग इंट्रैक्शन क्या होता है और हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन क्या है। और आज की इस वीडियो में हमें यूनिट सेकंड के हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन में दी हुई ड्रग हाइपरिकम के बारे में पढ़ना है। आज की इस वीडियो में हम हाइपरिकम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम जानेंगे कि हाइपरिकम क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इसका हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन क्या है और इस ड्रग को हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारी ड्रग है हाइपरिकम, तो जब भी हम कभी फार्माकोग्नोसी में या फिर हम हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में जब भी हम किसी भी ड्रग की बात करेंगे तो हम उस ड्रग के बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में बात करेंगे। हमें हर ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स पता होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए जब भी आप कभी कोग्नोसी या फिर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी में किसी भी ड्रग के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दीजिए तो सबसे पहले आपको उस ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स लिखना है। तो अब हम हाइपरिकम का बायोलॉजिकल सोर्स देख लेते हैं। तो हाइपरिकम का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? हाइपरिकम का बायोलॉजिकल सोर्स है द हर्ब इज कंसिस्ट ऑफ फ्रेश एंड ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट हाइपरिकम परफोरेटम। तो ये क्या है? हाइपरिकम ड्राइड एरियल पार्ट है किस प्लांट का? हाइपरिकम परफोरेटम। तो इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हाइपरिकम परफोरेटम। तो हाइपरिकम परफोरेटम जो प्लांट है उसके ड्राइड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट का को हम एज अ हाइपरिकम ड्रग के रूप में यूज़ करते हैं या फिर हाइपरिकम हर्ब के रूप में यूज़ करते हैं। तो ये होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है हाइपरिकम परफोरेटम, ठीक है। तो ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स हो गया। अब जब कभी भी आप किसी भी ड्रग के बारे में पढ़ेंगे तो आपको उस ड्रग की फैमिली भी बहुत ही ज़रूरी है जानना। हम बात कर लेते हैं हाइपरिकम की फैमिली के बारे में। तो देखिए जो हाइपरिकम की फैमिली है वो क्या है? हाइपरिकम की फैमिली है हाइपर सीएसी या फिर हाइपर केएसी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये इसकी फैमिली है। अब देखिए जितना ही हर्बल ड्रग्स का बायोलॉजिकल सोर्स इंपॉर्टेंट है उतना ही उसका फैमिली इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए जब भी आप कभी भी ड्रग्स का नाम लिखिए तो उसके साथ ही साथ उसकी फैमिली को भी मेंशन करिए। तो इसकी फैमिली हो गई हाइपर सीएसी या फिर हाइपर केसी, ठीक है, ये इसकी फैमिली हो गई। अब देखिए जो ये हाइपरिकम है इसका सिनोनिम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये जीपैट के एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, इवन पूछा भी गया है कि इसकी इसका सिनोनिम्स क्या है। तो देखिए इसका जो सिनोनिम्स है वो है सेंट जॉन्स वर्थ। तो सेंट जॉन्स वर्थ जो है ये इसका सिनोनिम्स है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये इसका सिनोनिम्स है। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में कि क्या इस ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो देखिए इस ड्रग का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? 0.1 to 0.15% एंथ्रासीन डेरिवेटिव हाइपरसीन स्यूडो हाइपरसीन फ्लेवोनॉइड्स। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी इसके नाम से मैच कर रहा है। क्या नाम है इसका? हाइपरसीन एंड स्यूडो हाइपरसीन, हाइपरसीन एंड स्यूडो तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ये भी इसके नाम से मैच कर रहा है। तो हाइपरिकम का केमिकल क्या है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? इसमें 0.1 से लेकर के 0.15% एंथ्रासीन डेरिवेटिव हाइपरसीन पाया जा रहा है एंड स्यूडो हाइपरसीन पाया जा रहा है। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों आपके इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है। किसी भी ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, उसकी फैमिली या फिर उसके बायोलॉजिकल सोर्स को जब हम कभी याद करते हैं तो ये आपको नोटिस करना चाहिए कि उस ड्रग के नाम में ही उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उससे मैचिंग ही होते हैं। मैक्सिमम टाइम पे उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उस ड्रग से मैचिंग मिलते हैं। इसी तरीके से मैक्सिमम टाइम पर उसकी फैमिली भी उसके नाम से मैचिंग मिल जाती है। तो ये बेसिक चीज़ है किसी भी हर्बल ड्रग के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के या फिर फैमिली को याद करने का तरीका, ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट है इसमें 2 to 4% हाइपरसाइड नेक्स्ट केमिकल है जो उसमें पाया जाता है। इसके अलावा क्वर्सेटीन एंड र्यूटीन भी
हाइपरसिन में पाया जाता है। इसके अलावा हाइपरफोरिन नाम का भी केमिकल इसमें पाया जाता है एंड इसेंशियल ऑयल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी केमिकल्स हैं जो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन मेनली इतने केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो मेनली पाए जाते हैं। इसके अलावा थोड़ी बहुत अमाउंट में और भी चीज़ें पाई जाती हैं। तो ये है इसके मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो ये हो गया इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम बात कर लेते हैं यूजर्स के बारे में। देखिए हाइपरसिन जो ड्रग है हमारी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। ये ड्रग CNS के डिजीज़ में काफ़ी यूज़ की जाती है। तो इसको हम एनग्जाइटी में यूज़ करते हैं, डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, इसको हम स्किन डिजीज़ में यूज़ करते हैं। एनग्जाइटी में हो गया, स्किन डिजीज़ में हो गया, माइग्रेन में हो गया, डिप्रेशन में यूज़ करते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा पेन में यूज़ किया जाता है, मेनोपॉज की कंडीशन में भी हाइपरसिन को यूज़ किया जाता है, एंड इसके अलावा वुंड की हीलिंग में भी इसे यूज़ किया जाता है। तो देखेंगे आप इसका जो यूजेस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसीलिए ये ड्रग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ड्रग अक्सर एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है। तो इसका क्या है, इसका जो अगर आप देखेंगे तो इस ड्रग का जितना भी इफ़ेक्ट आप देखेंगे तो मेनली जो इफ़ेक्ट है इसका, इसका जो यूजेस है वो CNS बेस्ड है। माइग्रेन ले लीजिए, एनग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की कंडीशन जो सीवियर कंडीशन है यहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो इनको माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये हो गया, इसके अलावा ये वुंड हीलिंग वगैरह ये तो हमने आपको बता ही दिया, तो यहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट है इसका साइड इफ़ेक्ट। तो देखिए साइड इफ़ेक्ट और एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपके सिलेबस में मेंशन है, हालांकि मेंशन तो ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन है। तो इस जब हम ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं, यानी कि ड्रग के बारे में अगर हमें डिटेल में स्टडी करना है, तो उस केस में हमें ड्रग का बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ये चीज़ें हमें उस ड्रग के इंफॉर्मेशन में आती हैं। इसके अलावा उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें क्या क्या मेंशन है, साइड इफ़ेक्ट मेंशन है एंड एडवर्स एंड ड्रग इंट्रैक्शन मेंशन है। तो इसीलिए आपको इतने पॉइंट्स तो ज़रूर हर ड्रग के याद करने ही करने हैं, उनका बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, साइड इफ़ेक्ट एंड इनके ड्रग इंट्रैक्शन, और यूजर्स भी आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो अगर हम हाइपरिकम को 12 वीक्स तक अगर हम यूज़ करते हैं ओरली, तो ये सेफ़ मानी जाती है। मतलब 12 वीक्स तक किसी भी तरीके का ये साइड इफ़ेक्ट, सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं क्रिएट करती है। लेकिन अगर हम इसको इससे भी ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, या फिर कुछ पर्सन जो इससे सेंसिटिव होंगे, जिनको हाइपरिकम सूट नहीं करेगा, तो उनके अंदर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। और वो साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसमें क्या है, रेस्टलेसनेस की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जो पर्सन होंगे उनके अंदर रेस्टलेसनेस की कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा एनग्जाइटी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी। इसके अलावा ड्राई माउथ, डायरिया, स्लीपिंग प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूज़न की कंडीशन डेवलप होगी। तो इसमें भी आप देखिए मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं साइड इफ़ेक्ट वो CNS से रिलेटेड हैं, जैसे कि रेस्टलेसनेस हो गया, एनग्जाइटी हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हो गई। तो ये सब क्या है, मेनली CNS से अफेक्टेड चीज़ें हैं। तो इस तरीके से ये साइड इफ़ेक्ट हाइपरिकम की वजह से आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में। तो ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में डिटेल वीडियो हमने इसके पहले ही बनाई हुई है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। बाकी ड्रग इंट्रैक्शन में क्या होता है, जब हम किसी भी ड्रग के साथ कोई भी और ड्रग, कोई फूड या फिर किसी भी तरीके की डिजीज़ कंडीशन होती है, तो उसके साथ उस ड्रग के इफ़ेक्ट में जो अल्टरेशन आता है उसको हम ड्रग इंट्रैक्शन बोलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या कंडीशन या फिर क्या चीज़ें हो सकती हैं अगर हम हाइपरिकम के साथ कोई और ड्रग या फिर फूड को यूज़ करें। तो अब देखिए जो हमारा पहला ड्रग इंट्रैक्शन है वो है हाइपरिकम के साथ अगर हमने माओ इनहिबिटर को अगर हमने यूज़ किया और हाइपरिकम को साथ में यूज़ किया, तो ये क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, हेडेक हो सकता है, कोलैप्स, इवन डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो माओ इनहिबिटर्स क्या है, माओ इनहिबिटर्स जैसे कि आपने डिप्रेशन में पढ़ा होगा कि माओ इनहिबिटर्स क्या करते हैं, माओ इनहिबिटर्स क्या
होते हैं माओ इनहिबिटर्स, जैसा कि आपने सी एन एस के डिजीज़ में पढ़ा होगा, या फिर CNS के जो भी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं उनके क्लासिफिकेशन में आपने माओ इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा ही होगा। तो माओ इनहिबिटर्स क्या है? माओ इनहिबिटर्स के साथ अगर हम हाइपरकम को यूज़ करते हैं तो ये BP को बढ़ा सकते हैं, इसके अलावा हेडेक की कंडीशन डेवलप कर सकते हैं, कोलैप्स हो सकता है, इवन डेथ भी हो सकती है। अब देखिए, जो माओ इनहिबिटर्स होते हैं, माओ इनहिबिटर्स क्या करते हैं, जो सीरोटोनिन का रीअपटेक हो रहा होता है उसको इनहिबिट करने का काम करते हैं, उसको सीरोटोनिन के अमाउंट को ये बढ़ाने का काम करते हैं, क्योंकि ये एक तरीके के क्या है, जो माओ इनहिबिटर्स होते हैं ये एक तरीके से डिप्रेशन की कंडीशन में यूज़ किए जाते हैं, और ये क्या करते हैं, ये सीरोटोनिन के अमाउंट को बढ़ाते हैं बॉडी में, ब्रेन में सीरोटोनिन के अमाउंट को बढ़ाते हैं। तो सीरोटोनिन के अमाउंट को ये बढ़ाते हैं, इवन जो अगर हाइपरकम है वो भी सीरोटोनिन के अमाउंट को बढ़ा रहा है, तो इस तरीके से सीरोटोनिन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट होती हैं। इसके अलावा ड्राइनेस ऑफ माउथ, बीपी का बढ़ना, हेडेक, कोलैप्स और डेथ की कंडीशन भी डेवलप हो जाती है। अब हम नेक्स्ट ड्रग इंट्रैक्शन के बारे में देख लेते हैं। तो जो नेक्स्ट ड्रग इंट्रैक्शन है वो क्या है, अगर हम हाइपरकम के साथ साइक्लोस्पोरिन या फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव या फिर डिजॉक्सिन और या फिर हम एंटीवायरल ड्रग को यूज़ करते हैं, मतलब क्या है, मान लीजिए हाइपरकम है और किसी भी पर्सन ने जिसने हाइपरकम को यूज़ किया है उसके साथ ही साथ उसने साइक्लोस्पोरिन को यूज़ कर लिया है, साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है तो उसको यूज़ कर लिया, या फिर उसने हाइपरकम के साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ कर लिया, या फिर उसने हाइपरकम के साथ डिजॉक्सिन को यूज़ कर लिया, या फिर उसने हाइपरकम के साथ एंटीवायरल ड्रग्स को यूज़ कर लिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो हाइपरकम जो ड्रग है वो क्या करेगी, इन सभी ड्रगों के प्लाज्मा लेवल को डाउन करेगी, मतलब क्या है, इसके डिक्रीज करेगी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, मतलब समझ में आ रहा, मान लीजिए कोई भी पर्सन है उसने हाइपरकम को यूज़ किया हुआ है उसके साथ उसको डिजॉक्सिन का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, उसने डिजॉक्सिन भी खा ली, तो क्या करेगा ये हाइपरकम, क्या करेगा, डिजॉक्सिन का जो लेवल होता है उसको डाउन कर देगा। इसी तरीके से अगर इसके साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी कोई यूज़ कर रहा है उसके साथ उसने हाइपरकम खा लिया तो वो क्या करेगा, उसके लेवल को डाउन कर देगा। इसी तरीके से अगर कोई एंटीवायरल ड्रग्स कोई पेशेंट खा रहा है उसके साथ उसने हाइपरकम खा रहा है तो उसमें भी क्या करेगा, ये हाइपरकम जो है इन ड्रग्स के प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डाउन कर देगा। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डाउन करने से क्या होगा, देखिए किसी भी ड्रग के इफेक्ट के लिए आपने मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज जो आपने Cmax पढ़ा होगा, जिसमें कि एक थेरेप्यूटिक इफेक्ट के लिए हमारे बॉडी में एक प्लाज्मा लेवल के डाउन होने की वजह से क्या होगा। अब देखिए प्लाज्मा लेवल जब डाउन हो जाएगा तो ड्रग अपना इफेक्ट कैसे देगी, क्योंकि किसी भी ड्रग का इफेक्ट देने के लिए उसका अप्रोप्रिएट अप्रॉक्सीमेट जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो मेंटेन होनी चाहिए, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइपरकम इन सभी ड्रगों की प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डाउन कर रहा है। जब प्लाज्मा की ड्रग की कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगी यानी ड्रग बॉडी में उतनी अवेलेबल ही नहीं है कि वो अपने इफेक्ट को दिखा पाए तो ड्रग अपना एक्शन शो ही कैसे कर पाएगी। तो ड्रग को अपना एक्शन शो करने के लिए प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन को अप्रोक्सीमेट होना ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट होना ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि हाइपरकम ने क्या किया, हाइपरकम ने इन सभी ड्रगों की प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन को डाउन कर दिया, और जब ड्रग की कंसंट्रेशन ब्लड में डाउन हो जाएगी, प्लाज्मा में डाउन हो जाएगी, तो ड्रग अपने इफेक्ट को दिखा ही नहीं पाएगी, और जब दिखा नहीं पाएगी तो थेरेप्यूटिक फेल्योर की कंडीशन डेवलप होगी। थेरेप्यूटिक फेल्योर मतलब क्या हुआ कि जिस भी चीज़ के लिए हम ड्रग को यूज़ कर रहे हैं वो ड्रग वो एक्शन ना दे। एंटीवायरल ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके साथ हाइपरकम को यूज़ किया तो एंटीवायरल इफेक्ट नहीं आया, तो पर्सन जिसको एंटीवायरल जिसके लिए वो यूज़ कर रहा था वो कंडीशन क्योर ही नहीं हो पाएगी। सेम इसी तरीके से डिजॉक्सिन, अगर किसी पर्सन को डिजॉक्सिन दिया जा रहा है और उसको यूज़ किया तो उसके अंदर जिस CHF में हम डिजॉक्सिन को यूज़ करते हैं तो क्या होगा, वो उस चीज़ को ट्रीट ही नहीं करेगा, डिजॉक्सिन उस कंडीशन को क्योर ही नहीं करेगी। क्यों नहीं क्योर करेगी, क्योंकि उसका लेवल तो पहले से ही डाउन है तो वो क्योर कैसे करेगी। इसी तरीके से ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की केस में कि अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की केस में इसको यूज़ किया जा रहा है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ इसको यूज़ कर लिया गया
है, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अपना काम नहीं कर पाएंगे। कैसे काम करेंगे? क्योंकि उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन डाउन है। जब डाउन है तो वो आदमी काम कैसे करेगा, वो ड्रग काम कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी। तो इस तरीके से ये सभी ड्रगों का थेरेप्यूटिक फेलियर हो जाएगा, मतलब ये ड्रग अपने जो रिस्पॉन्स है उसको शो नहीं कर पाएंगी और जिस भी कंडीशन के लिए यूज़ हो पा रही वो क्योर नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा थर्ड इंट्रैक्शन, अगर हम हाइपरिकम के साथ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग को लेते हैं। अब देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स डिप्रेशन क्या होता है जिसमें सीरोटोनिन का लेवल डाउन हो जाए। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या कर रही है, सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ा रही है। सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का काम है। हम हाइपरिकम को भी डिप्रेशन में यूज़ कर रहे हैं, यानी ये भी सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ा रहा है और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ा रही है। अब हाइपरिकम ने भी सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाया और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ने भी सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाया। अब क्या है, सीरोटोनिन का लेवल ज़्यादा ही हाई हो जाएगा। जब ज़्यादा सीरोटोनिन का लेवल हाई हो जाएगा तो उसकी वजह से कुछ कंडीशंस डेवलप होंगी, जैसे 5-HT का लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि सीरोटोनिन का लेवल जब बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से कंडीशन क्या डेवलप होंगी, स्वेटिंग होगी पर्सन को, हैलुसिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि होता है ना किसी पर्सन को हैलुसिनेशन होने लगता है कि कोई चीज़ नहीं है पर उसको लगता है कि इमेजिनेशन वो करने लगता है, वो कंडीशन डेवलप होगी। इसके अलावा कन्फ्यूज़न होने लगेगी, क्योंकि देखिए हमने जैसे ही आपको बताया हाइपरिकम का जो मेनली जो इफेक्ट है वो CNS पे है, तो हैलुसिनेशन की भी प्रॉब्लम CNS से ही रिलेटेड है। और इसके बाद क्या है, कन्फ्यूज़न भी होने लगेगा, क्योंकि CNS में क्या है, सीरोटोनिन का लेवल बहुत हाई हो गया है तो कन्फ्यूज़न की कंडीशन भी डेवलप होगी। इसके अलावा फीवर होने लगेगा, तो इस तरीके की कंडीशन डेवलप होगी क्योंकि बॉडी में सीरोटोनिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से हाइपरिकम के साथ अगर हम किसी भी ड्रग को यूज़ करते हैं, यानी कि अगर हम एंटी डिप्रेसेंट की ड्रग्स को यूज़ करते हैं तो ये कंडीशन डेवलप होती है। तो इस तरीके से हाइपरिकम के साथ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का ड्रग इंट्रैक्शन होता है। तो इस तरीके से हाइपरिकम का पूरा ड्रग इंट्रैक्शन एंड साइड इफेक्ट हमने यहाँ पे पढ़ लिया। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।